हमीरपुर जिले के एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की शिक्षिका कोरोना पॉजिटिव आने का मामला सामने आया है, जिसके चलते अब हड़कंप मचा हुआ है। उक्त शिक्षिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल की है, जो 22 सितंबर को स्कूल में भी आई हुई थी और इससे अगले दिन रिपोर्ट उसकी पॉजिटिव आई है, जिसके चलते सीनियर सेकेंडरी स्कूल को भी पूरी तरह से सैनिटाइज करवाया गया है। तो स्कूल में कोरोना पॉजिटिव उस दिन 4 अन्य अध्यापकों के संपर्क में भी रही है। इन चारों अध्यापकों को भी क्वारंटाइन किया गया है। वहीं इस मामले को लेकर CMO हमीरपुर डॉक्टर अर्चना सोनी ने कहा कि एक सरकारी स्कूल की महिला अध्यापक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। टेस्ट के पिछले दिन वह स्कूल पहुंची थी, लेकिन किसी छात्र के संपर्क में नहीं आई है। हालांकि उस दिन 4 अध्यापकों के संपर्क में आने पर स्टाफ के सदस्यों को क्वारंटीन कर दिया गया है और स्कूल को सैनिटाइज करवाया गया है। CMO ने स्कूल प्रबंधकों से कोरोना बचाव के चलते एहतियात बरतने की अपील की है। एक जो स्कूल टीचर पॉजिटिव आए हैं उसके बारे में मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, चाहे उनका सोर्स क्या भी रहा हो, कहाँ से भी इन्फेक्शन उनको हुई हो, तो प्लीज़ अपने अराउंड अपने इर्द गिर्द कोई भी अगर ऐसा लगता है, संदिग्ध लगता है, जो खांसी और उससे पीड़ित है या जिसमें कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं, तो ज़रूर ध्यान रखें और टाइमली ट्रीटमेंट लेने के लिए अब हमने ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पर सब जगह फ्लू क्लिनिक स्टार्ट करा दिए हैं। अगर ऐसा कुछ लगता है तो इमीडिएटली वहाँ जाके सैंपलिंग करो, ताकि हम एक से दूसरे को, क्योंकि ये एयरबॉर्न डिजीज़ है, हम सबको पता है, खांसी से भी छींक से भी ये आगे फैल सकती है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि इसकी रोकथाम, प्रिवेंशन ही इसका एक इलाज है। जब तक हमारे पास कोई परमानेंट वैक्सीन नहीं आ पाती है या हम कुछ वैक्सीन की तरफ, जैसे हमारी ट्रायल्स चली हुई है, जब तक कुछ क्लियर नहीं हो पाता है, तब तक फेस मास्क को ही दूसरी वैक्सीन समझें, यही मेरा मैसेज है। एक बच्चा भी सुनने में आया कि बच्चा भी पॉजिटिव आया है, अभी इसके बारे में बोलेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश में 22 सितंबर को स्कूल खोलने के बाद यह शिक्षिका स्कूल आई थी, लेकिन उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। इस दौरान स्कूल आए 50% स्टाफ के 4 सदस्य पॉजिटिव शिक्षिका के संपर्क में आए हैं। हालांकि शिक्षकों के संपर्क में कोई भी विद्यार्थी नहीं आया है। पॉजिटिव शिक्षिका के संपर्क में आए स्टाफ को क्वारंटीन कर दिया गया है। तबीयत खराब होने के कारण शिक्षिका ने 23 सितंबर को स्कूल जाने के बजाय कोरोना टेस्ट करवाया, इससे अगले दिन उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रदेश के स्कूल खुलने के बाद किसी शिक्षक के संक्रमित होने का यह पहला मामला है। जानकारी के अनुसार महिला शिक्षिका अपने संक्रमित पति के संपर्क में आने के बाद संक्रमित हुई है।